نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. सबसे पहले उस अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक़े कायनात मालिक़े अर्ज़ व समा का मैं इंतहा शुक्र बजा लाती हूँ कि उसने हमको कुरान जैसे अजीम किताब को सीखने सिखाने का मौका अता फरमाया। वहदहु दरूद सलाम नाज़िल हुआ अल्लाह के भेजे गए तमाम अंबिया करवाम पर, बिलख़ुसूस अपने आखिरी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگار بندوں کو جس نعمت سے نوازا ہے، جس بڑی نعمت سے نوازا ہے، وہ बड़ी नियामत हमारे लिए कुरान है। कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है, जिसको पढ़कर सहाबा मुअज़्ज़ज़ करार दिए गए और जिसको पढ़कर बहुत सी कौमें, जिस पर अमल कर कर जिसे पढ़कर बहुत सी कौमें नजात हासिल कर ली, और जिसको पढ़ने से और जिस पर अमल करने से जन्नत का वादा किया गया है। तो इसी कुरान को सीखने में और आप इसी कुरान को सीखने के लिए मैं और आपने कोशिशें की हैं, कोशिशें कर रहे हैं सीखने सिखाने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारी रिवीजन क्लास है, क्योंकि आज टेस्ट टू है, आज नहीं बल्कि जुमा के दिन टेस्ट टू है। तो इस वजह से जरूरी है कि हम पिछले अजबाख दोहरा लें, यानी रिवाइज कर लें, ताकि हम अपना टेस्ट जिसके सवालात आसानी हल कर सके। तो चलिए चलते हैं, इस टेस्ट में कितने अजबाक है। एक तो सबसे पहले है तनवीन,
हाँ तनवीन और नुन साकिन। जी हाँ, इसके बाद अलहमदुलिल्लाह के खाजन इजहार, इजहार इकफा हरूफ कलकला इन सुकून, र और तजदीद, र साकिन र मुशद्दा हरूफ मुस्तालिया। ठीक है, एक के बाद एक हम पूरे कवर करते जाएंगे इंशाल्लाह। जी। सबसे पहले तनवीन और नुन साकिन क्या है वो हम जाने। तनवीन और नुन साकिन किसे कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैम। दो जबर दो पेश, दो जबर दो जेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। नुन साकिन किसे कहते हैं? जिस नून पर जज़्म हो उसे नूने साकिन कहेंगे। जी, तो इन तमाम यानी इन चारों हरफों की आवाज कैसी होती है? गुनने गुनने के साथ जी, गुनना तो तब होगा जब इसके सामने पीछे कुछ आएगा, इस पर कुछ आएगा, इस तरह कुछ होगा तो गुनना होगा, लेकिन गुनने के अलावा तनवीन और नुसाकिन की आवाज क्या होती इन है? चारों की आवाज एक जैसी होती है मैम। जी हाँ बिल्कुल, देखिए तनवीन में जैसा नून की आवाज आती है ना, अन बन तन सन, तो नून साकिन के पहले भी अगर आप हमजा लगाएं, हमजा मुतहर्रिक, और उसके बाद नून पर जज्म लाए तो इसकी आवाज कैसी है? अन। और हमदा दो जबर अन, तो मतलब ये है कि इसकी आवाज एक सा होती है, सिमिलर होती है, सेम। तनवीन और नुसाकिन की आवाज क्या होती है? एक सा होती है, जैसे दो हमजा दो जबर अन, हमजा नून जबर अन, बा दो जबर बन, बा नून जबर बन, ता दो जेर तिन, ता नून जेर तिन, सा दो पे सुन, सा नून पे सुन। ठीक है, जी समझ गए ना? तनवीन नुन साकिन में सिर्फ यही जानना है कि तनवीन और नुन साकिन की आवाज एक सा होती है, और इन चारों के मुकम्मल कितने कायदे हैं? चार कायदे हैं। सबसे पहला कायदा इजहार। जी हाँ, तनवीन और नुन साकिन जहां भी दिखे आप, ठीक है, तनवीन और नून साकिन जहां भी दिखे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? तनवीन और साकिन का कायदा पहचानने के लिए, अगर इजहार का कायदा पहचानना हो, इकफा का कायदा पहचानना हो, इखलाब या फिर यदमल, तो अभी यहाँ पर तनवीन और साकिन के दो ही कायदे हैं जो आपको टेस्ट में आएंगे, वो है पहला कायदा इसका इजहार। इजहार का माना क्या है? शो, जाहिर करना, करना जी जाहिर करना। और दूसरा है इकफा, इकफा का माना क्या है? छुपाना, यानी हाइड करना। ठीक है, इजहार शो जाहिर करना, और इकफा छुपाना, यानी आवाज को मुकम्मल तरीके से हाइड करना। लेकिन ये कब करना है आपको? जब आपको तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ हलकी में से कोई हर्फ नजर आए। हुरूफ हलके कितने हैं? छह है, हमजा ह ऐन ह वैन ख, हाँ हमजा ह ऐन ह वैन ख, ये हुरूफ हलकी है छह। तो जब भी आपको तनवीन और नुसाकिन के बाद हुरूफ हलके में से कोई भी हर्फ नजर आ जाए, तो आप वहां क्या करेंगे? नून की आवाज को जाहिर करेंगे, करना जल्दी। पढ़ेंगे बिला गुन्ने के, गुन्ना नहीं करेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, जाहिर करेंगे, और वहां पर रुकेंगे भी नहीं। जैसे अब एक मिसाल है, तोयरन अबाबील रन, अगर रुकेंगे तो गुन्ना हो जाएंगा ना, क्योंकि नाक में आवाज को रोकना ही गुन्ना कहलाता है। अगर आप रन रुकेंगे, गुन्ना हो जाएगा। तो यहाँ पर कायदे में हमें क्या बताया जा रहा है कि उसका रूल ये है कि गुन्ना ना हो बल्कि इजहार हो। तो इजहार करने के लिए आपको जल्दी पढ़ना पड़ेगा, वहां पर थोड़ी देर के लिए भी आप रुकेंगे नहीं। इजहार यानी तनवीन और नुन साकिन के बाद, यानी तनवीन में से दो जबर भी आ सकता है, दो जेर भी, दो पेश भी, या नुन साकिन भी। तो इन चारों के बाद अगर आपको ये छह हरूफ में से, यानी हमजा हा ऐन हा गईन ख्वा में से कोई एक हर्फ नजर आ जाए,
तो वहां पर आप क्या करेंगे, इजहार करेंगे, नून की आवाज को जाहिर करेंगे। और एक बात आप जान लें कि जो अलीफ खाली ना हो वो भी हमजा है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको अलीफ नजर आ रहा है तो आप अलीफ समझ के, यहाँ पर इजहार में से कौन सा भी हर्फ नहीं है समझ के, यहाँ इजहार नहीं हो रहा नहीं समझे, बल्कि तनवीन और नसाकिन के बाद अगर अलीफ आ गया और उसके ऊपर जबर है, जेर है, पेश है, जजम है, कुछ भी है, जबर जेर पेश जजम कुछ भी है, तो वो भी क्या होगा, हमजा हाँ होगा। हमजा नहीं, नहीं इजहार होगा, हमजा है ना, क्योंकि हमजा हरूफ हल्की में से है, तनवीन ठीक और नसाकिन के बाद हरूफ हल्की आ गए तो इजहार होगा, तो इजहार होगा, इकफा नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह एक और कायदा है, वो है इकफा। इकफा यानी नून की आवाज को नाक में छुपाना। कब छुपाएंगे हम नून की आवाज को नाक में, जब तनवीन और नसाकिन के बाद हुरूफ इख्फा के 15 लेटर्स में से कोई एक लेटर आए, यानी जैसे ता, फ, हुरूफ इख्फा कितने हैं, 15, क्या क्या पंद्रह है, ता, फ, दाल, दल, ज़ा, सीन, शीन, कांग साद, तौ, ज़ा, फ, क़ाफ, कफ, यानी तनवीन और नसाकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से कोई भी एक हर्फ आ जाए तो हम यहाँ पर जो तनवीन में नून की आवाज आती है और जो नून साकिन में नून की आवाज आती है उसको हाइड करेंगे, यानी छुपा कर पढ़ेंगे। जैसे मुदिरु, ऐसे मुदिरु, इस तरह। मैम, नून जीम भी हुर्फे इख्फा का हुर्फ है क्या मैम? हाँ, जीम भी, ता, सा, जीम, दाल, दल, ज, सीन, शीन, साद, दाद, तो, ज, फ, कफ और कफ। जी यहाँ मैम, देखिए, अभी जब अभी ये देखिए यहाँ पर कौन से कवायद हो रहे हैं। अहदन, अबदन। अब यहाँ देखिए तनवीन आ गई, आपको सबसे पहले तनवीन देखना है, उसके बाद वाला लेटर। अब देखिए अहदन, अबदन, देखिए तनवीन है, या तनवीन है ना, जी जिम मैम, दाल पे तनवीन है। उसके बाद कौन सा लेटर है, हुर्फे हल्की हाँ हमजा। हमजा है, हमजा हुरफे हल्की में से है, तो ये कौन सा कायदा हो गया। इजहार जी हाँ। आगे देखिए हसीदिन, इवा, दाल सुसीम के नीचे, सुहेल, आप बोलिए। जी मैम, हाँ दाल के नीचे तनवीन है मैम, और उसके बाद हमजा है। हासे कौन सा कायदा हो गया। दिन, इसको इजहार करके पढ़ना है मैम। जी हाँ, क्यों, वजह, उसकी वजह यह है कि उसमें हुरूफ ये आ रहा है ना मैम, हुरूफ इख्फा आ रहा है ना। हुरूफ इख्फा आएगा तो आप जाहिर क्यों करेंगे आवाज, नून को जाहिर क्यों करेंगे। इख्फा आएगा तो आपको नून को छुपाना होगा ना, तो यहाँ तो आप जाहिर करके पढ़ रहे हैं, ऐसे दिन पढ़े, नून तजदीद, जाहिर हो रहा। तजदीद तजदीद है ना मैम, उससे पहले। हाँ, हाँ, तनवीन, तनवीन है, तजदीद नहीं, तनवीन। तनवीन है, हाँ, तनवीन के बाद क्या है, हमजा है, तो कौन सा पढ़ना हर्फ है, हमजा किस में से है, हमजा मुस्तालिया में से है मैम। जी नहीं, मुस्तालिया में से नहीं है। नहीं मैम, याद नहीं आ रहा। अभी दो कायदे जो हम पढ़े, देखिए आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि जी आपको इस टेस्ट में सिर्फ दो कायदे आ रहे हैं तनवीन और साकिन के। ठीक है, सबसे जी पहला कायदा होगा इजहार और इख्फा। इजहार कब आपको करना है, आइडेंटिफाई आप इजहार का कब करेंगे, जब तनवीन या नूने साकिन के बाद, यानी दो जबर, दो जेर, दो पेश और नूने साकिन के बाद, एकदम बाद, अगर आपको दिखा हुर्फ अलकी कितने हैं, हमजा
हमजा हाइन ख, ठीक है। ये छह हर्फ क्या है? हुरूफ हल्की है। तो हुरूफ हल्की में से कोई भी एक हर्फ आप अगर आपको किसके बाद दिखाई देगा, दो जबर के बाद या दो जेर के बाद या दो पेश के बाद या नून साकिन के बाद, इन चारों में से कोई भी हरकत के बाद आपको इन छेयों में से कोई भी एक हर्फ दिखाई देगा, तो वहां पर कौन सा कायदा आप करेंगे, कौन सा रूल बोलेंगे? इजहार, ठीक है। और वहां पर जो तनवीन में नून की आवाज आती है, जैसे अभी हासी दिन पढ़े तो जो नून की आवाज आती है, दिन दाल दोजेर, दिन दोजेर के बाद क्या था वहां पर? इद हमजा था, तो हमजा किस में से है? हुरूफ है हल्की में से, तो वहां पर कौन सा कायदा हुआ? इजहार। हाँ, सिंपल इजहार, ठीक है, समझ गए आप? जी जी हाँ। क्या है कायदा? दो जबर, दो जर, दो पेश और नुने साकिन के बाद ये छह हरफ यानी हरफ हल्की, हमजा है, आइन है, गैन खा में से कोई भी एक हर्फ आ जाए तो आप नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे, इसी को इजहार कहते हैं, ठीक है जी जी अब ये आइडेंटिफाई कर सकेंगे आप इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। अभी पढ़िए थर्ड लेटर पढ़िए। किताबुन, हाँ, किताबुन अंजल नाहु, अंजल नाहु जी। अभी बताइए इजहार हो रहा है इसमें? जी हाँ मैम। कहाँ पर? बे के ऊपर दो दो पेश है तो वहां पर इजहार हो रहा है जी। दो पेश है तो ही हो जाएगा? नहीं मैम, उसके आगे हमजा है, उसके ऊपर भी उसके ऊपर हमजा है मैम, जिसके ऊपर जबर है जी, उसके ऊपर नहीं। देखिए आपको यहाँ पर उसके ऊपर हमजा दिख रहा है, लेकिन ये जो कंटेंट है, जो अभी ये जो आयते हैं कलेक्ट किए हम जो यहाँ पर डाले स्क्रीन में, ये अरबी कुरान से है, तो अरबी कुरान में यह हमजा देगा आपको, लेकिन यहाँ की जो इंडियन कुरान है वहां पर हमजा नहीं देगा, तो आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि हमजा कौन सा है। तो जो अलीफ खाली ना हो वो हमजा है जरूर, ठीक है। अलीफ खाली रहा तो ही अलीफ, अलीफ खाली नहीं है तो हमजा। देखो अलीफ के ऊपर जबर है ना, यहाँ पर वो हमजा छोड़ दिया, अलीफ के ऊपर जबर रहने की वजह से वो हमजा हो गया, तो इसलिए वो हमजा है। तनवीन के बाद क्या है? हमजा है। तो ये क्या कौन सा कायदा हो गया? ये इजहार हो गया मैम जी। आप पूरा जवाब देंगे, जैसे तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से हमजा है इसलिए यहाँ पर इजहार हो रहा है, ठीक है जी जी। आगे नीचे वाला भी पढ़िए। वनूहन हदैना, ना सिर्फ ना, मद्दा का भी ख्याल रखिए, हुरूफ़ मद्दा में अलीफ मद्दा हो रहा है। हदीना जी जी, वनूहन हदीना जी, वेरी गुड। अब बताइए यहाँ पर इजहार हो रहा? जी हाँ मैम, हो रहा मैम, यहाँ पर जैसा दो तो जबर के बाद हा है, उसके ऊपर जबर है, इसलिए यहाँ पर इजहार नहीं हो रहा, मगर नून और वाओ के ऊपर पेश है तो वो वाओ मद्दा हुआ, और हदईना दाल के बाद ये है, उसके ऊपर जजम है तो या मद्दा हो रहा, और ना यालीन, यालीन हो रहा, यालीन, क्योंकि या से पहले जबर है, यालीन हो रहा, लेकिन ठीक है वो कायदे आप बोल रहे हैं, इट्स ओके, लेकिन नूहन हदईना में नहीं हो रहा इजहार हो रहा ना मैम, यहाँ पे हा के ऊपर दो दो जबर है और उसके बाद अलीफ है, जिसके ऊपर कोई वो नहीं है, हरकत नहीं है।
लेकिन नहीं, वो अलीफ तो दो जबर का है, दो जबर के साथ हमेशा जो अलीफ आता है ना, तो वो अलीफ है, उसका कोई मतलब काउंट नहीं है, समझिए। तो वो अलीफ जो है उसको काउंट नहीं करेंगे आप, वो अलीफ दो जबर का ही अलीफ है, उसको मत देखिए आप, ठीक है? क्योंकि हमेशा आप दो जबर जहां पर भी देखेंगे, दो जबर के साथ हमेशा अलीफ आता है, ठीक है? उस जी अलीफ को काउंट मत कीजिए, उसके बाद वाला हर्फ देखिए, तनवीन के बाद वाला हर्फ, ठीक है? जी तो कौन सा हर्फ है? तनवीन के बाद वाला आप है मैम हा है, हा हुरूफ़ जी अलखी में से है कि नहीं है, जी हो है ना मैम, हुलूफ एलखी में से तो इजहार हो रहा नहीं हो रहा? जी हो, हदई ना ऐसा तो नूहन हदीना में इजहार हो रहा है, क्योंकि तनवीन के बाद हा है, बस वो देखना है आप, ठीक है? आगे का हर्फ भी पढ़िए। जुरूफिन हारिन जी, जुरू क्यों कीजिए आप, रॉ पे तो सिर्फ पेश है। जी हाँ गलती हो गई ना, फिर पढ़िए। जुरूफिन हारिन हाँ, तो इजहार हो रहा है इसमें कि नहीं, जी हो मैम हो रहा कैसे? मैम, फे के नीचे दो जेर है उसके बाद हा है, तो इसलिए इसको इसको दो जेर है और उसके बाद चूंकि हरूफ हल्की है इसलिए इसको उसके साथ इजहार पढ़े, कहते हैं। हार के साथ पढ़े। जी, आगे भी पढ़िए, एक दो तीन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आगे का भी पढ़िए। जी सलामुन ही या, अब जी सलामुन में समझो मीम के ऊपर दो पेश है उसके बाद फिर हा है, तो इसलिए इसको भी इजहार करके पढ़े। जी आगे पढ़िए। शाकिरन अलीमन, जी शाकिरन में रा के ऊपर दो जबर है और जी उसके बाद ऐन है, तो इसीलिए उसको भी ऐन हरूफ हल्की में से है। हाँ, हो ना मैम हम जी। पूछ रहे हैं आपको। अच्छा, तो इसीलिए उसको जी भी इजहार के साथ पढ़े जी मैम। जी हम मुबारक हो इतने आपको। सारे साइंस है ना, इतने कंफ्यूज हो जा रहे, सर अल्लाह मदद करने जी वाला जी है। बेशक, आगे वलयालुन, पढ़िए। यहाँ पर जी भी लाम के नीचे दो जेर है और उसके बाद आइन है, तो इसीलिए इसको भी इजहार करके पढ़े। जी उसके बाद और पहले जजम है और उसके बाद फिर नीचे दो जेर है, तो इसलिए उसको भी इजहार करके पढ़े। अश्रिन, कहाँ पर? ये नहीं, आगे उससे अच्छा पहले की हरकत बिल्कुल नहीं देखेंगे आप। आश्रिन, आश्रिन में जो रॉ पे दो जेर है उसके बाद अगर इजहार है, यही हुरूफ़े हल्की में से कोई एक हर्फ है, तो तब आप इजहार करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, आश्रिन तनवीन है, उसके बाद जी, नहीं है ना कोई भी हर्फ इजहार में से, नहीं हुरूफ़े वर्ड नहीं है, नहीं हल्की में से कोई भी हर्फ नहीं है, तो इजहार नहीं बोलेंगे आप, ठीक है? जी। उसके पहले वाली हरकत, सॉरी, हुरूफ नहीं देखेंगे, उसके बाद वाला हर्फ देखेंगे। अच्छा, इजहार में बाद पहले वाला वर्ड देखेंगे, बाद वाला नहीं देखेंगे। इजहार में ही बाद वाला हर्फ देखेंगे, पहले वाला नहीं देखेंगे। जैसे तनवीन आ गई, तनवीन के पहले नहीं देखेंगे आप, तनवीन के बाद देखेंगे। बाद देखेंगे, तनवीन के बाद जी, देखेंगे। जैसे अभी तक देखते हुए आप, रॉ पे तनवीन है उसके बाद आइन है, जैसे पिछली वाली मिसाल में बोले रॉ पे तनवीन है उसके बाद आइन है, इसी तरह सलाम उन्हीं में मीम पे तनवीन है उसके बाद हा है, बोले ना, जी वैसे ही जी देखिए आप, इससे पहले वाली नहीं देखेंगे। जैसे अब मीम पे तनवीन सलाम उन्हीं है, मीम पे तनवीन है उससे पहले लाम है, ऐसा नहीं देखेंगे, उसके जी बाद क्या है वही देखें, ठीक है? जी जी आगे पढ़िए। समीउन। समीउन अलीमुन, जी अब यहाँ पर भी एन के ऊपर दो पेश है और उसके बाद एन है जो हुरूफ हल्की में से आता है, इसीलिए उसको भी इजहार करके पढ़ेंगे। समीउन जी अलीमुन, जी उसके जी बाद नारन नारन हामियतन, तो जी रा के बाद हा है जो हुरूफ हल्की में से आता, इसीलिए इसको भी इजहार करके पढ़े, रॉ के बाद है कि तनवीन के बाद है? तनवीन के बाद। जी, अव्वाबिन हफीजिन, जी अब हाँ
और यहाँ पर भी बे के नीचे दो जेर है जो तनवीन बोलते, और हा और उसके बाद हरूफ हल्की का हा है, इसीलिए इसको भी इजहार करके पढ़े। जी गफूर गफूरुन हलीमुन। तो जी यहाँ पर भी रे के ऊपर दो दो पेश है और उसके बाद हरूफ हल्की है, इसलिए इसको भी इजहार करके पढ़े। जी एक बात मैं आपसे बोलूं, ये जी बे रे ते इस तरह नहीं पढ़ेंगे, ये उर्दू वर्ड्स है, जी ठीक है? अच्छा हाँ, रा पढ़ेंगे। रॉ बा ता, जी 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 रॉ और ता बा इस तरह बोलिए, जी ठीक अच्छा है? अभी काफी है आप, ये जी अच्छा जी मैम। सादिया आप पढ़िए आगे की। आखिरी के दो लाइन है ना मैम? जी हाँ قولا غير غير قولا जी غير। यहाँ लाम पर तनवीन है और जी उसके बाद हरफ हल्की का हर्फ गैन है, तो यहाँ पे इजहार होगा मैम। जी محصنات غير। जी यहाँ पर भी ता पर गैरा पढ़ेंगे को, दूसरा खादा भी एक मर्तबा गौर की, तो कैसे क्या मोटा के बारी मैम, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है मैम। मोटा पढ़ेंगे ना, जी मैम रॉ पे जबर हो तो रॉ को कैसे पढ़ेंगे? जी, मोटा पढ़ेंगे मैम। महसनातिन हाँ तो मोटा पढ़ना गैरा। है जी मैम जी, वेरी गुड। महसनातिन गैरा। यहाँ ता पर तनवीन है जो कि दो जेर है और उसके बाद हर्फ हल्की का हर्फ अगाइन है, तो यहाँ पर इजहार होगा जी मैम। अम्वाबुन गैरु। अम्वातुन है, का जी है अम्वातुन गैरु। जी यहाँ ता पर तनवीन है और उसके बाद हर्फ हल्की का हर्फ अगाइन है, तो यहाँ पर इजहार हो रहा है। जी सियाबन खुदुरन जी सियाबन खुदुरन। यहाँ बा पर तनवीन जी है और उसके बाद हर्फ हल्के का हर्फ ख है, तो यहाँ पर इजहार हो रहा है। सुम्बुलातिन खुदुरिन जी सुम्बुलातिन खुदुरिन। जी यहाँ पर ता पर तनवीन है और उसके बाद ख है, तो यहाँ इजहार होगा मैम। जी लतीफुन खबीरुन। यहाँ फा पर तनवीन है और उसके बाद ख है, तो यहाँ इजहार होगा और आखिरी वाला हर्फ भी तनवीन है मैम। जी लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं है ना, तो तनवीन ही नहीं होगा है जी मैम। जी। चलिए बारकल्लाहु फी, आगे देखिए। अभी इक्फा समझ में आ गया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। सिसुम सुहेल, जी मैम जी मैम। प्रूफ इक्फा कितने, एक मरतबा सुनाइए आप प्रूफ इक्फा। हरूफ इख्फा मैम 15 है। तो जी ज़ो स्वाद द्वाद नहीं नहीं सीन नहीं नहीं 1 मिनट फिर से सुनाइए। त तो नहीं, तो तो से मत सुनाइए, त त लंबी त। ता हाँ जी ता सा दाल जाल जीम भी सीन है, जीम छोड़ दी थी आप। ता ता सा जीम हा खा दाल जाल। हाँ खा इस हुरूफ हल्के में हो गया ना, तो फिर इस इख्फा में नहीं आएगा। हाँ खा सिर्फ जीम है, जीम के बाद दाल दाल स्वाद द्वाद तोय जोए काफ फे काफ। फे नहीं बोलेंगे, फा। फा देखिए ता सा जीम दाल दाल ज़ा सीन शीन सा दा तो ज़ा फ़ा क़ाफ़ और कफ।
जीम दाल वेल छीन सीन फकाफ कफ। ये हरूफ आपको अपने नाम की तरह याद हो जाने चाहिए, जब जाके आप इख्फा अच्छी तरह आइडेंटिफाई कर सकेंगे, वरना मुश्किल होगा। ठीक है जी। जी, अभी पढ़िए, पक्के कीजिए। जी दस जीम दल वर शीन सीन सौदा दौदा फ़ाफ़ कफ। ठीक है, जब ये हरूफ यानी दस जीम दल जी आगे के पूरे 15 हरूफ, जैसे अभी जी आपने कहा तन्वीन नुनसाकिन के बाद हरूफ अलकी में के 6 हरूफ देखकर आप आइडेंटिफाई कर रहे थे ना कि इजहार है, जी हो उसी तरह सेम उसी तरह प्रोसेस सेम वही रहेगा, लेकिन तन्वीन नुने साकिन के बाद जैसा यहाँ पर हल्की देखा आपने, यानी हुरूफ हल्की के 6 हरूफों को देखकर नून को जाहिर किया, सेम उसी तरह यहाँ पर हुरूफ इख्फा देखें, यानी ये 15 हरूफ में से कोई भी एक हर्फ आपको वही तन्वीन नुने साकिन के बाद दिखेगा, तो आप वहां पर नून को छुपाएंगे नाक में। छुपाने का तरीका ये होगा कि जो नो नो के जुबान यानी जुबान की नोक को ऊपर के तालु से हटाकर पढ़ेंगे, जैसे अंत अन जी नून अगर पढ़ेंगे तो आप ऊपर जुबान को, जुबान अपनी ऊपर तालु कंप से ही लगती है, उसका मखरज ही वही है कि नून का मखरज क्या है, जुबान की नोक ऊपर के तालु को लगे, लेकिन इख्फा जब पढ़ेंगे तो आप नून बिल्कुल नहीं आएगा, नून की आवाज ही नहीं आएगी, छुपाना है ना नून को, इस वजह से नोके जुबान ऊपर के तालु से हटा कर पढ़ेंगे, जैसे तोई नहीं, ये तो इजहार मिसाल है, जैसे अंत नून है, अंत है असल में, लेकिन नून साकिन के बाद ता हुरफ इख्फा में से आने की वजह से हम उस नून को क्या करेंगे, छुपा देंगे, जी अंत अंत इस तरह। ठीक है, जी समझ गए आप? जी मैम, नोके जी जुबान अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं लगाना चाहिए और नून की आवाज को रोक के पढ़ना चाहिए ताकि नून की नाक आवाज में जाहिर ना हो। जी बिल्कुल जाहिर नहीं करना है, छुपा देना है। और कब करेंगे ऐसा? जब हुरूफ इक्फा में से कोई वर्ड आया तो किसके बाद आया तो? नूने साकिन के बाद, तनवीन और तन्वीन के बाद। के बाद। हाँ देख लो बेटा, मैंने देखी। देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो नून खाली दिख रहा है वो नून साकिन है, ठीक है, जी जो भी नून दिख रहा है इसमें पूरे नून साकिन है, आप ऐसा आइडेंटिफाई करिए, और वाउ जो खाली दिख रहा वो वाउ वाउ साकिन है। बहुत सारे अब पढ़िए। मंसूरन फिर से, मंसूरन, वेरी गुड। क्यों के क्यों आप इक्फा किए यहाँ पर? क्योंकि नून की आवाज छुपाना है, किस क्योंकि उससे पहले हुरूफ इख्फा आया, उससे पहले, किसके बाद? नून के पहले हुरूफ इख्फा आया, इसीलिए उसको नाक में छुपा के पढ़ रहे। जी, नून से पहले आया कि नून के बाद आया? नून के बाद आया मैम, हाँ, स्वाद नूने लेने। साकिन, नून के नहीं, नूने साकिन के बाद। तो इसीलिए उसकी नून नून की आवाज को छुपा के पढ़े मंसूरन। जी, मंसूरन, रा पे भी दो जबर है, इस वजह से रा को पुर पढ़ेंगे, ठीक है जी जी। आगे पढ़िए। मिंग सिया मिन मिन, नून जाहिर हो रहा आप पढ़ रहे तो मिन, नूने साकिन के बाद मिन स्वाद है, स्वाद हुरफ इख्फा में से है जी हो मैम, जी। मिंग सिया मिन मैं नून को नहीं मतलब जबर जेर नहीं पेश, जब देखिए जब जी नूने साकिन से पहले जबर जेर पेश कुछ होता है तो नून की जो साकिन, नून को छुपाने की आवाज भी उसमें ढल जाती है, जैसे अब जेर है तो जेर जी की आवाज के साथ म्या इस तरह। अब जैसे पहले आप पढ़े मिंग म,
तो वही जबर के साथ जबर की आवाज, जेर के साथ जेर की आवाज, तो यहाँ पर आप जेर की आवाज के साथ पढ़े मैं सियामिन सोयामिन मैं सियामिन जी मिंग सियामिन नून आ रहा है, आप खुद अपने आप टीचर बन जाए। देखिए जी जी नून आ रहा है नहीं आ रहा है, देखिए अच्छा मिन सुयमिन मिन नून आ रहा है तो आप एक फा सही अदा नहीं कर रहे, अगर नहीं आ रहा है तो आप अदा कर रहे। ठीक चलिए मैं सियामिन वेरी गुड मैं सियामिन जी, लेकिन यहाँ पर स्वाद है ना, तो जी स्वाद हुरूफ मुस्तालिया में से है, यानी पुर पढ़ा जाने वाला हर्फ है, तो आप इसको क्या करेंगे मोटा पढ़ेंगे, मैं सुई मीन सुई सुई सियामिन जी। आगे पढ़िए अमलन सालिहन। अब यहां पर तनवीन के बाद स्वाद है जो उन्होंने जो जो हरूफ हरूफ इसका है इसीलिए उसको मोटा पढ़ेंगे, मोटा नहीं छुपा कर पढ़ेंगे और स्वाद को मोटा पढ़ेंगे, तो आप स्वाद को पढ़िए मोटा छुपा कर पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। अमलन साली लन लन नून आ रहा है ना, जी हो जी हो अमलन सालिहन नहीं लन जो नून आ रहा है आपका वही छुपना चाहिए। यहाँ कैसे छुपाएंगे मैम हाँ जुनून की आवाज आ रही है ना लास्ट में, तनवीन में जी। जुनून की आवाज, लन तो ला बनेगा, उस अच्छा वक्त आप जुबान की नोक को हटाएंगे, लन ला, क्योंकि जी दोनों की आवाज सेम है ना, तो आप वहां पर नून साकिन ही समझिए, कई देर के लिए वो नून है समझ के हटाइए। अमलं सालिहन अमला सालिहन अमलं सालिहन जी, तुंजिरुहुम वेरी गुड, जुर्रियतिन व मिन ज़ुर्रियतिन ज़ुर्रियति ज़ुर्रियति में व जी मिन ज़ुर्रियति यहाँ जी दोनों जगह तशदीद है इसीलिए इसको उसमें मिला के सख्ती से पढ़े। जी और ये नून के हुरूफ़े अख़फ़ा है इसलिए नून को छुपा के पढ़े। आगे ज़िल्लिन ज़ी सलासी नहीं ज़िल्ली ज़िल्ली उसके बाद ज़ाल है जो हुरूफ़े अख़फ़ा है तो इसीलिए इसको भी नून छुपाएंगे, छुपा के लेकिन पढ़ेंगे। आपने इसे छुपाया फिर से जिल्ली छुपाएंगे जिल्ली जी जी। सलासी हाँ जी जिल्ली सलासी, स को जबान की नोक बाहर यानी दोनों दांतों के किनारों को लगना चाहिए सामने वाले जिल्ली जी सलासी जी। उल उल ही नसी उल नहीं नहीं उल हिंसी छोड़ दीजिए, अल छोड़ दीजिए आप, खाली हाँ सी पढ़िए हमसी जी, यहाँ नून यहाँ पर साकिन के पास सा है जी हाँ इसीलिए इसको गुन्ना करके पढ़े हमसी इख्फा इख्फा इख्फा, इख्फा गुन्ना और करके इख्फा में फर्क हिंसी जी। मैम गुन्ना और इख्फा में क्या फर्क है उसमें भी तो आवाज ऐसा गुन्ना करके ही पढ़ते ना। गुन्ना यानी छुपेगी आवाज सिर्फ, सॉरी गुन्ना यानी रुकेगी आवाज सिर्फ, अन यहाँ नून पढ़ रहे हैं ना हम, जी हो नून छुप नहीं रहा है, नून सिर्फ रुक रहा है नाक में थोड़ी देर के अच्छा लिए, अन लेकिन इख्फा में क्या है पूरे पूरे सरे से नून नून को छुपा जा रहा लिए है, हाँ नून थोड़ा भी नहीं आ रहा, नून को छुपाने को इख्फा बोलेंगे हाँ नून को रोकने को गुन्ना कहे इख्फा, रोकने को गुन्ना और छुपाने को इख्फा जी आगे पढ़िए मिंग समरतिन जी। मिंग समरतिन ثمرات من ثمرات मैं समरतिन
जी यतुन नहीं, क्योंकि यहाँ पर तजदीद नहीं है। समानियतुन समानियतुन जी यो यो माइजी समानियतुन जी तुन, क्योंकि वहां पर तनवीन के बाद कोई भी हर्फ नहीं है, ना इजहार ना इकफा, तो आप उनको तनवीन जैसा है वैसे पढ़ेंगे। ठीक है जी। जी, काफी है। सिस सादिया, आप पढ़िए आखिरी दो लाइन। जी मैम। कैलन जी फायदा बोलना है क्या मैम इसको? नहीं, आप पढ़ते जाइए, मैं कहीं ऊपर पूछ लूंगा आपको। जी जी ठीक है मैम। कशफ्त जी मलकों करीमुन जी फाजाहु जी वयं जनहु जी खल्कां जदीदन। जी बारक अल्लाह फीक। ये हो गया इजहार और इख्फा, समझ आ गया ना? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैम इख्फा और इजहार आप बहुत प्रैक्टिस करिए सिस उम्मे सुहेल, सिर्फ इख्फा में आपकी बहुत गलतियां हैं, बाकी फिर भी जी आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पढ़ लेते हैं। जी अभी होगा खलखला। क्या है खलखला? हरूफ खलखला कितने हैं? हरूफ पांच खलखला पांच है, क़ाफ़ वा बा जीम और दाल। हरूफ खलखला पांच है, क़ाफ़ वा बा जीम दाल, क़ाफ़ वा बा जीम और दाल। देखिए सुहेल, आप थोड़ा भी कंफ्यूज ना हो, वो तनवीन नुन साकिन के कवायद थे जिसमें आप तनवीन नुन साकिन को देखेंगे, उसके बाद ये हरूफ देखेंगे। लेकिन खलखला ऐसा है कि इसमें पीछे सामने कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, ना इसमें इजहार इख्फा ना इसमें तनवीन नुन साकिन देखेंगे, ना कोई और चीज देखेंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि ये कौफ को बाजीम दाल पर जजम है या नहीं है। ठीक है, जी अगर कौफ तो बाजीम दाल पर जज़म है तो हुरूफ खलखला हो रहा है। सिंपल, कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं है, बल्कि बहुत आसान है। कौफ्ता बाजीम दाल पर अगर जज़म है तो वहां पर आपको थोड़ा सा आवाज को टकरा कर पढ़ना है, जैसे अब इब उब जब जिब जुब बज बिज बुज। ठीक है, जी अफ्ता बादिन बाजीम दाल, ये पांच हर्फ पर सिर्फ जजम आने से इसकी आवाज को टकरा कर हम पढ़ेंगे। ठीक है, जी इसी जी को हुरूफ कलकला कहते हैं। जी मैम। ठीक है ना, समझ गए? बस इतना ही खादा है इसका, कौफ्ता बाजीम दाल पर जसम हो तो उसको पढ़ेंगे, तो उसको टकरा कर पड़े जाते हैं। पढ़े जाएंगे, यानी टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं ये हरूफ। जब इन पर जजम हो तो इनको पढ़ते वक्त इनके मखरज, मखरज यानी जहां से आवाज निकलती है, इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। इसके अलावा किसी भी जजम वाले हर्फ में खलखला नहीं करेंगे, यानी टकराएंगे नहीं, कौन से भी जजम वाले हर्फ को हम टकरा कर नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ये पांच हर्फ पर जजम हो तो ही टकरा कर पढ़ेंगे। ठीक है जी मैम। हाँ, और इसमें इसके भी तीन किस्म है, एक खलखला सुगरा, एक कुबरा और एक अकबर। सुगरा किसे कहते हैं? जैसे अभी मैंने कहा कौफ्ता बाजिम दाल पर सिर्फ जज़्म आ जाने से उसको खलखला सुगरा कहेंगे। कुबरा किसे कहेंगे? जब जी आयत के आखिर में कोई खलखला लेटर आ रहा, जैसे अहदन है। ठीक है, जब आयत के आखिरी में आयत के आखिर में अगर कोई खलखला लेटर आ रहा, यानी खौफ्ता बाजिम दाल में से कोई एक लेटर आ रहा आयत के आखिर में, आयत जहां पर है वहां पर, जैसे अहदुन आ रहा, अहदुन, बताऊंगा इस पर आपको।
देखिए अभी आयत है यहां पर, ये अहदुन है, ठीक है। तो ये जो जी दाल है हुर्फे खलका में से, तो ये दाल को हम क्या करेंगे, आयत आने की वजह से जज़्म देकर सांस तोड़ेंगे ना, जज़्म जी दे दिए हाँ तो क्या बन गया, अहद अहद, खलखला बन अहद गया, अहद, अहदुन क्या बन गया, अहद बन गया। तो इसको जी खलखला अकबर कहें, कुबरा कहेंगे सॉरी, ठीक है, जी इसको खलखला कुबरा कहेंगे। और इसके अलावा एक और है जिसे अकबर कहेंगे, वो है अगर कोई भी खलखला लेटर पर रब्बी तजदीद आ गई, रब्बा या फिर रब्बी, ठीक है, कोई भी खलखला लेटर पर अगर तजदीद आ गई तो वो खलखला अकबर होगा, ठीक है, क्योंकि तजदीद का पहला लेटर क्या होता है, जजम वाला, और दूसरा लेटर जबर वाला। देखिए तजदीद वाले हर्फ को मैं यहाँ पर खोल कर लिखा हूं, तो आप समझिए, तो बाप यहाँ पर खलखला, बाप जजम है तो खलखला ही हुआ ना, जी हो जी हो, लिखने का तरीका अलग है मगर वो पढ़ेंगे पढ़ने का, वैसे ही। हाँ ठीक है, समझ गया ना। तो इसे खलखला अकबर कहेंगे। और आयत पर जब आएगा और उसको हम आरजी तौर पर तोड़कर जजम दे रहे हैं, सिर्फ पढ़ते वक्त दे रहे हैं, लिखने में नहीं दे रहे हैं, तो उसको खलखला कुबरा कहेंगे। और जहां पर नॉर्मली आपको बाजिम दाल पे, कौफ्ता बाजिम दाल पे जजम नजर आएगा, वो खलखला सुगरा, ठीक है, सुबरा जी, सुगरा कुबरा और अकबर, ये मैम तीन। अकबर खलखला अकबर बताइए ना। जी है जी, आप तजदीद है, समझिए, ठीक है, जीम पे तजदीद है। तो तजदीद वाला हर्फ क्या होता है, एक हर्फ साकिन और एक हर्फ मुतहर्रिक होगा ना तजदीद का, जी जैसे अब हा है, हा जीम और जीम, हा जीम जबर हज, जीम जबर जा, हज्जा, ठीक है। जी तो पहला हर्फ क्या हो गया, साकिन हो गया, तो खौफता बाजिम दाल पे जज़्म आए तो क्या होगा, खलखला होगा। तो यहाँ पर तजदीद में, यानी खलखला लेटर पर अगर तजदीद आ गया तो उसमें खलखला छुपा हुआ है और उसे खलखला अकबर कहें, जी मैम समझ गए सिसादिया, जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैम, जजाकअल्लाह। आमीन। ये पढ़िए सिसु में सुहैल, अकबर अकबिल अकबिल अच्छा मतलब टक्कर खा जाना हमारी आवाज, अकबिल, जी वेरी गुड, यहाँ पर हुरूफ खलखला के पहले जज़म है नहीं, इसीलिए हुरूफ इसको। खलखला के पहले नहीं, पर हुरूफ खलखला पर कौफ पे जजम है ना, कौफ पर जजम है, जी तो इसीलिए उसको तोड़ के पढ़ेंगे अकबिल। जी टकरा के आवाज टकराएंगे इसकी, जी बेमिकदारिन जी बिमिक दारी, बेमिकदारिन मुक्तदिरिन जी जी शत्रा बे तो देखिए त और त्वा में फर्क कीजिए, त लंबी ता को त पढ़ेंगे हम, लेकिन ये जो त्वा है ये हुरूफ मुस्तालिया में से है, तो हुरूफ मुस्तालिया को हमेशा मोटा पढ़ना चाहिए, और यहाँ पर तो खलखला हो रहा है तो आप टकरा कर अच्छे से मोटा पढ़े, शत शत शतोरा शत रो, शतोरा शत्वा नहीं, शत्वा नहीं, शत्व, शतरा जी बेकत इन बेकित, यानी तो बेकत और ता की आवाज में फर्क होनी चाहिए, बेकित, बेकत इन जी बेकत इन जी युत इमोनी युत इमोनी मुंह खींचेंगे नहीं हरकत है, युत इमोनी युत्तइमुनी, युत इमोनी
यानी टक्कर खाना हमारी आवाज, खारिश टक्कर खाएंगे जी। युत एमोनी जी सब हन जी सब हन है, अच्छे से पढ़िए है का मखरज जबदद हलक का दरमियान हिस्सा। सब हन क़िबलतन क़िब 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 क़िबलतन जज़्म है तो क्या होगा? क़िबलतन जी वो जवाब दीजिए, बाप जज़्म हो तो बाबे जज़्म होगा। हाँ ये हुरूफ़े खलखला मिल, हाँ तो नहीं बाप जज़्म हो तो खलखला होगा ऐसे बोल। क़िबलतन युब दीउ जी ठीक, इसीलिए कलकला करे जी वेरी गुड। सादिया आप पढ़ी जी मैम। वज ठीक है जी। इजलन जी। तुजौन जी। वशदद्दन जी। सिद्रति युद्रीक जी जी चलिए माशाल्लाह। कितने लेसन्स हो गए अपन को, कितने पढ़ने थे? तीन हो गए मैम। तीन हो गए मैम। इजार इखफा और खलखला हो गया। सुकून किसे कहते हैं वो भी मालूम है ना, यानी खलखला लेटर्स के अलावा जो भी हर्फ पर सुकून आएगा उसे जज़्म सुकून कहें। ठीक है जी मैम। जो भी हर्फ पर सुकून आएगा, जैसे हुरूफ खलखला नहीं होना चाहिए, हुरूफ मद्दा नहीं होना चाहिए, हुरूफ लीन नहीं होना चाहिए। ठीक है हुरूफ लीन भी नहीं होना मैम। हाँ नहीं मतलब वो सुकून वाला हर्फ नहीं होगा, क्योंकि उस पर हम क्या कहेंगे अगर लीन वाला लेटर आया, या लीन या पर जज़्म उससे पहले जबर आ गया, या फिर वाउ पर जज़्म उससे पहले जबर आ गया, तो आप वहां पर कौन सा खादा आइडेंटिफाई करेंगे? लीन ही आइडेंटिफाई करेंगे ना, जी जी इसलिए उसको जज़्म सुकून नहीं कहेंगे। ठीक है जी 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 एक मिनट हम बताएंगे आपको अभी। जी देखिए अभी यहां पर, यहां देखिए तजरी में पहला हर्फ खलखला और दूसरा हुरूफ मद्दा हो रहा है, या साकिन से पहले जेर हो तो हुरूफ मद्दा होगा ना। जी 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 हाँ तो पहला हर्फ खलखला, पहला जो हो रहा तज में खलखला हो रहा, उसके बाद हुरूफ मद्दा, उसके बाद देखिए तक्वा, पहला हर्फ खलखला और दूसरा अलीफ मद्दा, खट्टा जबर अलीफ मद्दा के खैम खाम। फिर उसके बाद देखिए युगनी, यहाँ ना युग में खलखला हो रहा है नहीं हो रहा है, ना ही उर्फ मद्दा है ना खलखला है ना उर्फ लीन, तो अब यहाँ पे कहेंगे आप जज़्म सुकून। ठीक है जिसमें ना खलखला हो ना उर्फ लीन हो ना हुरूफ मद्दा हो। नी में हुरूफ मद्दा, फिर नोशी रत, इसमें भी देखिए हरकत हरकत जज़्म सुकून कहेंगे, नोशी रत रत में जज़्म सुकून होगा। रूफ अत, यहाँ भी जज़्म सुकून, जैसे अत है अत हुरूफ खलखला में से नहीं है, ता नहीं है तो है बल्कि हुरूफ खलखला में, तो रहा तो ही खलखला कहेंगे, यहाँ पर ता है इसलिए ये जज़्म सुकून होगा। समझ गए आप? जी जी जी। और इसमें एक फायदा जो बताना है वो ये है कि
हमजा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। जहां पर भी हमजा हो, हमजा के ऊपर जजम आ गया तो उसको पढ़ते वक्त क्या करेंगे, झटका करेंगे। जैसे आखिरी लाइन देखिए, इक्रा युतून युतून जिन यअमुरून, ठीक है, झटका देकर पढ़ेंगे। जजम हमजा के ऊपर जजम हो या फिर अलीफ के ऊपर जजम हो, यानी ऐसा, अगर आपको ऐसा दिख रहा है हमजा के ऊपर जजम या फिर अलीफ के ऊपर जजम, क्योंकि जो अलीफ खाली ना वो हमजा है, तो ये अलीफ जजम वाला है तो हमजा ही होगा। तो हमजा साकिन कहेंगे से हमजा साकिना के पढ़ते वक्त क्या करेंगे, हम झटका करेंगे। समझ गए ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैम जी। इसके बाद जो है रॉ तजदीद, तजदीद तो मालूम है, तजदीद के आवाज में एक किस्म की सख्ती होती है। तजदीद में नून और मीम पर तजदीद हो तो क्या करेंगे, गुन्ना करेंगे, ये चीज याद रखिए आप तजदीद में, ठीक है। तजदीद की आवाज में एक किस्म की सख्ती होती है, तजदीद को जब, हाँ, नून और मीम पर तजदीद हो तो गुन्ना करेंगे, जैसे अन सुम, ठीक है, जी एक अलीफ के बराबर। नाक में आवाज को रोकना गुन्ना कहलाता है, और एक अलीफ के बराबर नाक में आवाज को छुपाना इख्फा कहलाता है, ठीक है। जी मैम ये दो चीजें कॉन्ट कीजिए, नोट कीजिए। एक अलीफ के बराबर नाक में आवाज को रोकना गुन्ना कहलाता है, और एक अलीफ के बराबर नाक में आवाज को छुपाना इख्फा कहलाता है, ठीक है जी मैम जी। रॉ का कायदा याद है, रॉ पर जबर पेश हो तो रॉ को क्या करेंगे, मोटा पड़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे मैम जी, और रॉ पर जेर हो तो रॉ को बारीक बारीक पढ़ेंगे। हाँ, रॉ पर जबर पेश हो तो रॉ मोटा होगा, रॉ को मोटा पढ़ेंगे, जेर हो तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। और इसके अलावा मोटा कैसे पढ़ेंगे, किन किन चीजों में मोटा पढ़ेंगे, जजम वाली रा भी रहा तो उसको मोटा पढ़ेंगे मैम, तजदीद वाली रा से। जी जी जजम वाली रॉ से पहले जबर पेश हो तो उस रॉ को मोटा पढ़ेंगे। देखिए, रॉ पर जबर पेश हो तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे, रॉ पर जेर हो तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे, रॉय साकिना से पहले जबर पेश हो तो उस रॉ को मोटा पढ़ेंगे, और रॉय साकिना से पहले जेर हो तो उस रॉ को बारीक पढ़ेंगे। ये रॉ का कायदा है, लेकिन इसके अलावा और दो कायदे हैं पुर पढ़ने के, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। अभी ये पढ़िए नीचे से, वतूरी, री, यहाँ पर रॉ को मोटा या बारीक, या बारीक पढ़ेंगे, क्यों, जेर है ना मैम इसीलिए जी। इसके बाद मिल कैरिन, मिल क्यों, नूने साकिन के बाद कौन सा है हर्फ, और जी खै है मैम, हाँ, खौ, खौ किस में से, हर्फ अलकी में से के इख्फा में से, इख्फा में से है मैम, इख्फा में खौ है, नहीं मैम खलखला में है मैम, जी नहीं, खलखला में तनवीन नून साकिन का कोई भी फायदा नहीं है, मैंने आपको पहले ही कहा। और एक चीज, खलखला में भी खा नहीं है, ठीक है, हुर्फ खलखला में सिर्फ खौफ्ता बाजिम दाल है, इस पर जजम हो तो सिर्फ हम उसे सिर्फ जजम देखना है खलखला में, लेकिन ये जो खा है ये नून साकिन के बाद खा है, खा हुर्फ हल्के में से है ना, हमजा हा इन हा गैन खा, हाँ मैम हुर्फ हल्के में से खलखला में से जी। तो यहाँ पर नून साकिन के बाद क्या है, नून साकिन दिखते कि आप उसके बाद वाला आप देखेंगे, अब बाद में देखिए हुर्फे हल्की है तो आप यहाँ पर नून को जाहिर करेंगे, कंफ्यूज मत होइए, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर नून को जाहिर करना है, आपको छुपाना नहीं है, मिन खैरिन, मिन खैरिन,
जी आगे पढ़िए, गौर से पढ़िए, सोच के समझ के पढ़िए। देखिए यहाँ पर, मिन शक्रिन, नूने साकिन के बाद कौन सा हर्फ है? जी शीन किस में से है, इख्फा में से कि इजहार में से? इख्फा में से है मैम। हाँ तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, इख्फा कमाना छुपाना ना, तो यहाँ पर नून को क्या करेंगे? नून को नहीं मैम, नून को भी छुपा के पढ़ेंगे। मैं शर्री जी, और रॉ पे जेर रहने की वजह से इस रॉ को बारीक पढ़ेंगे। मैं शर्री आगे आगे आ, इसके बाद जाल है। हाँ, जाल किस में से? ये नाम आप अच्छे से याद कीजिए। इजहार, हुरूफ़े हल्की और हुरूफ़े इख्फा अपने नाम की तरह आपको याद होने चाहिए, जब जाके आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि इजहार हो रहा है या इख्फा हो रहा है। चलिए, जाल किस में से? हुरूफ़े हल्की में से है मैं। हल्की में से नहीं है बहन, इख्फा में से है। साकिन के बाद वैल, वैल हुरूफ़े इख्फा, हलूफ हल्की सिर्फ छह है, हमजा हा इन हा गैन खा, बस हमजा हा इन हा गैन खा हुरूफ हल्की है। हुरूफ इख्फा 15 है, ता था जीम दाल वाल वाल ज़ा, तो यहाँ वाल है नून साकिन के बाद, तो यहाँ इख्फा हो रहा है, तो आप नून को छुपा के पढ़ जी। जिरहुम ज़िर हुम, क्योंकि जी राय साकिना से पहले क्या है? जेर है मैम। हाँ तो इसलिए इस रॉ को करेंगे बारीक पढ़ाई। जेर के नीचे भी अगर, रा के नीचे भी अगर जेर रहा तो बारीक पढ़ेंगे, और रा से पहले भी अगर जेर रहा तो भी उसको बारीक पढ़ेंगे। लेकिन रॉ साकिन रहना मतलूब है, रॉ साकिन हो उससे पहले जेर हो तो इस रॉ को बारीक पड़ेंगे, रॉ के नीचे जेर हो तो बारीक पड़ेंगे। ठीक है, जी बढ़िया। अभी बिल बिर्री वक्तरिब 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 वाह, कफ पे जज़्म आ रहा है, खलखला होगा जी वक्तरिब वक्तरिब जी। रिब की रिब, यहाँ बा पे भी खलखला है, रिब रा को बारीक पढ़ेंगे रिब वक्तरिब जी। की नारी फी नारी फी नारी जी, नासिरिन ना हुरूफ मत ना सोयरिन, सोय स्वादे सोय नासिरिन जी। ठीक है, इसे शादी आप पढ़िया खिलन जी मैम। फांतसिर जी। मुद्दकिरिन नुदुरी शिरबिन जी ठीक, ये पांच हर्फ ऐसे हैं जिस पे रॉ के पहले जेर आने के बावजूद भी उस रॉ को हम मोटा पढ़े। ठीक है, और इसका भी फायदा है, वो ये है कि रॉय साकिना से पहले, रॉय साकिना से पहले अगर हुरूफे मुस्तालिया में से कोई हर्फ आ जाए, हुरूफे मुस्तालिया में से कोई हर्फ आ जाए तो उस रॉ को मोटा पढ़ेंगे। ठीक है, रॉय साकिना से पहले जेर हो लेकिन वो हुरूफे मुस्तालिया हो तो उसको मोटा पढ़ेंगे, उस रॉ को मोटा पढ़ेंगे। और एक फायदा ये है कि हमजतुल वसलाए,
हमजतुल वस्ल से पहले जेर हो, हमजतुल वस्ल हो, रा साकिन हो, उससे पहले हमजतुल वस्ल हो, यानी खाली अलिफ, जैसे वहां इरसाद दिख रहा है ना। नहीं, सॉरी, मैंने पहले गलत कहा के रा साकिना से पहले जेर हो, उससे पहले कोई भी हर्फ हो सकता है, रा साकिना से पहले जेर हो, लेकिन उसके बाद हुरूफे मुस्तालिया में से कोई हर्फ आ जाए। रा साकिना से पहले जेर हो लेकिन उसके बाद हुरूफे मुस्तालिया में से कोई हर्फ आ जाए तो उस रॉ को मोटा पड़ेंगे, ठीक है। और रॉ साकिना से पहले जेर हो लेकिन उससे दोनों के बीच में, जैसे अमीर तबू इरजी रब्बी रजीउनी, देखिए क्या बताएंगे अभी। यहाँ देखो, रॉ साकिन है, रॉ पे जबर जजम है, इससे पहले हमजतुल वसल है, और यहाँ इससे पहले मीम पे जेर है, तो इस रॉ को भी मोटा पड़ेंगे। हालांकि हम मीम जेर से ही रॉ को मिलाना है, लेकिन बीच में हमजतुल वसल आने की वजह से, अलिफ खाली आने की वजह से इस रॉ को मोटा पड़ेंगे, ठीक है। जेर होने के बावजूद भी, रॉ साकिना से पहले जेर होने के बावजूद भी दोनों के दरमियान हमजतुल वसल रहने की वजह से इस रॉ को मोटा पढ़ेंगे, मेरो तबू, ठीक है। और जो हरफ मुस्तालिया का कह रहे थे हम, वो ये है कि रॉय साकिना से पहले जेर हो लेकिन उसके बाद हरफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ आ जाए, जैसे स्वाद, स्वाद हरफ मुस्तालिया में से, तो उस रॉ को मोटा पड़ेगा। इर सो इर, असल तो पढ़ना चाहिए बारीक, लेकिन रॉय साकिना के बाद हरफ मुस्तालिया है, इस वजह से इस रॉ को मोटा पड़ेंगे। ईर स्वाद, जी ठीक है, समझ गए। जी जी मैम, जी अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ लें। मैम ये अभी जो पढ़े आप इसकी रिकॉर्डिंग भेजने वाले हैं? जी हाँ, भेजेंगे। मैम हुर्फे मुस्तालिया के हुर्फ भी बता दीजिए मैम एक बार। हाँ, जी, हम भूल गए, वो चीज जरूरी थी क्योंकि अभी है, वो भी जी है इसमें। जी देखिए, ये है हुरूफे मुस्तालिया, स्वाद, दाद, त्वा, ज़ा, ग़ीन, ख़ और ख़ौफ, क़फ़, ख़ और क़फ़, स्वाद, दाद, त्वा, ज़ा, ग़ीन, ख़ और क़फ़, ये पांच हरूफ हरूफ मुस्तालिया है, यानी हमेशा ये पांच, सॉरी सात हरूफ मोटे पड़े जाएंगे। ये सात हरूफ हरूफ मुस्तालिया है और ये सात हरूफ हमेशा मोटे पड़े जाएंगे, चाहे इस पर जेर हो, जबर हो, पेश हो, तजदीद हो, जजम हो, जैसा भी पढ़ना हो आप इसको मोटा ही पढ़ेंगे। ये याद करिए, आप याद जी रहेगा ये। जी अच्छा त्वा, दा, त्वा, ज़ा, ग़ीन, ख़ा और क़फ़। और एक चीज, टेस्ट में आप लोग थोड़ा भी कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और नीचे ऑप्शंस दिए जाएंगे तो ऑप्शंस भी अच्छे से देखिए। अगर कुछ मिला हुआ लिखा हुआ है, जैसे अब अगर आपको पूछे हरफ़ मुस्तालिया कौन से है, आपको वहां पर अलग अलग हरूफ दिए जाएंगे ऑप्शंस में, तो ये सात हरूफ आएंगे तो आप हरफ़ मुस्तालिया वहां पर क्लिक कीजिए। ये सात हरूफ याद रखना है आपको, अगर मिला के भी जी दिए, ऊपर नीचे करे, आजू बाजू करे, तो भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। स्वाद, ऐसा भी हो सकता है, तो स्वाद, ऐसा, हाँ, आगे पीछे करके ठीक दे है, सकते ऐसा भी लिख सकते हैं मर्ज। हाँ, आगे जी। पीछे करके देंगे, सामने पीछे, जैसे भी करेंगे। बहरहाल तो दूसरे हरूफ भी रहेंगे, तो गौर कीजिए, एक भी हर्फ ज्यादा है तो वो हरफ मुस्तालिया में से नहीं होगा,
ऑप्शन, इन इस तरह ऑप्शन होंगे सिर्फ आपको बताने का मतलब मैम, तो कंफ्यूजन हमको सूर्य और शमसी में बहुत हो जाता, इतने सारे वर्ड्स है ना वो। जी नहीं, आप ये बात कर लीजिए हुरूफ़े शमसी और खमरी, तो इंशाल्लाह कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और हुरूफ़े हल्की और इजहार के हुरूफ, हुरूफ़े हल्की और हुरूफ़े इख्फा पक्के कीजिए सिस्सों में सुहेल। आप ये अच्छा मैम, पूरे पक्के कीजिए, ऊपर नीचे दो जगह लिखिए, आप अपने हाथ से नोट्स पे लिखिए कि हुरूफ़े हल्की 6 है, हुरूफ़े इख्फा 15 है, और उनको अच्छे से याद कीजिए। उसमें तन्वीन नुन साकिन की जरूरत होती है, लेकिन हुरूफ़े कलकला जो आप पढ़ रहे हैं कफ़ ता बा जिम दाल, उस पर आपको तन्वीन नुन साकिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ जज़्म होगा तो हुरूफ़े कलकला हो जाएगा, कलकला होगा। जी, हुरूफ़े हल्की 6 है और हुरूफ़े इख्फा 15 है। जी 15 है। आप उसमें बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, हल्की को इकफा समझ रहे हैं, इकफा को हल्की समझ रहे हैं, ठीक है? नहीं जी जी मैम, हम प्रैक्टिस करते हैं। जी करिए, अल्लाह आप सबकी मदद करे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, या फिर कैसे भी आप मुझे पूछें। अभी 2 दिन टाइम है, अच्छी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। एक ही दिन है, सॉरी कल एक दिन है, परसों फजर में इंशाल्लाह देना है आपको। जी अच्छा, ठीक है। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.